हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन शर्मा के बारे में। सचिन रिसेंटली एमटीवी के पॉपुलर शो रोडीज में दिख रहे हैं। वी नो फैंस कंटेस्टेंट के बारे में सब जानना चाहते हैं, चाहे उनके लव लाइफ हो या फिर करियर। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, जिसमें हम आपको सचिन के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू। लेट्स गेट इनटू इट। सचिन एक इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर एंड टीवी पर्सनैलिटी है। सचिन शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1998 को हुआ था। 2023 में सचिन 25 ईयर्स के हैं। सचिन फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। अपनी स्कूलिंग सचिन ने फरीदाबाद से ही की है। फिर ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली। सचिन को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। 12 साल की उम्र में उन्होंने डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। 2012 में वो DID डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 2 के कंटेस्टेंट के रूप में सामने आए। 2013 में वो स्टार प्लस के शो डांसिंग सुपरस्टार में पार्टिसिपेट किए एज पार्ट ऑफ टीम गुड लक बॉयज। उसके बाद 2014 में वो सोनी शो बुगी वुगी किड्स चैंपियनशिप में दिखाई दिए। उनकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर 2016 में वो इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए। उनकी टीम इस शो में गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसी ईयर वो कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 में कंटेस्टेंट ग्रेसी गोस्वामी के साथ एक प्रोफेशनल डांसर के रूप में दिखाई दिए। सचिन ने अपनी कोरियोग्राफी से सबको इम्प्रेस किया, लेकिन शो में वो 11th आए। बट सचिन न्यू हाउ टू कीप गोइंग। 2017 में उन्होंने DID सीजन 6 में भाग लिया। शो में वो मर्जी पस्टौंजी टीम मर्जी के मस्तानी के हिस्सा थे। सचिन शो के फर्स्ट रनर अप रहे। 2017 में स्पोर्ट्स चैनल सोनी 6 पर NBA इंडिया के एक एडवर्टाइजमेंट में भी वो दिखाई दिए। 2019 में वो नच बलिया 9 में दिखे। वो सेलिब्रिटी कपल बबीता फोगाट एंड विवेक सुहाग के कोरियोग्राफर थे। उसके बाद 2021 में वो कलर्स के टीवी शो डांस दीवाने में एक कंटेस्टेंट सोहिल खान के साथ दिखाई दिए। अब वो रोडीज 19 में आ चुके हैं एज ए कंटेस्टेंट। सचिन गैंग रिया का पार्ट है। ओरिजिनली वो गैंग प्रिंस में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन प्रिंस ने सचिन को कर्लिंग राउंड में निकाल दिया था। उसके बाद रिया ने सचिन को अपने एक प्लेयर के साथ स्वैप कर दिया। ऐसे सचिन रोडीज की जर्नी पे आ पहुंचे। सिर्फ रोडीज ही नहीं, सचिन ने फर्स्ट वोट आउट भी सरवाइव कर लिया है एंड नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ टॉप 14 इन रोडीज 19। अब बात करते हैं सचिन के लव लाइफ के बारे में। हमारे पास उनकी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है। रूमर्स तो बहुत रही है, लेकिन हम नहीं कह सकते इफ ही वाज एक्चुअली विद समवन। मे बी उन्हें रोडीज में मिल जाए उनके लाइफ पार्टनर। बात करें उनके नेटवर्थ की तो एक सोर्स के मुताबिक सचिन शर्मा की नेटवर्थ लगभग 30-40 लाख है। बात करें उनकी कार की तो 2019 में उन्होंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट खरीदी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड फॉर सच मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।